ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, डोडा पोस्ट से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता मिली है। डोडा पोस्ट की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा पोस्ट से भरे ट्रकों को पकड़ा गया है और 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस नारकोटिक्स विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। डोडा पोस्ट से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि 1.25 करोड़ रुपए इस बरामद डोडा पोस्ट की कीमत बताई जा रही है और ऐसे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस और नारकोटिक विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। डोडा पोस्ट की लगभग 1.25 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां से पुलिस ने इन ट्रकों को जब्त किया और कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और आगे क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल बताऊंगा। जो भरतपुर है वो ड्रग्स तस्करी का नया रूट बन चुका है, जहाँ जोधपुर एनसीबी ने कार्रवाई की है। ट्रक के चावलों के कट्टों के बीच में लगभग 10 क्विंटल डोडा पोस्ट छुपा कर रखा था, जिसमें 6 तस्कर पकड़े गए हैं। जयपुर भरतपुर हाईवे पर एनसीबी और हलेना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ट्रक में भरा करीबन 10 क्विंटल डोडा पोस्ट को बरामद किया है। जोधपुर एनसीबी टीम को इनपुट मिला था कि झारखंड से जोधपुर की तरफ ट्रक से डोडा पोस्ट लाई जा रही है। इस पर टीम ने यहां आकर ट्रक का पीछा किया। कार्रवाई से पहले टीम ने भरतपुर एसपी को मामले से अवगत भी कराया। इस पर एसपी ने हलेना पुलिस को एक्टिव किया। इसी बीच जानकारी मिलती है, हलेना थाना एसएचओ विजय सिंह ने अमूली टोल पर मोर्चा संभाला, जहां एक डिजायर कार रोककर पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ लिया, जबकि एनसीबी जोधपुर की टीम ने डेरा मोड़ पर ट्रक रुकवा लिया। वहां एनसीबी लखनपुर थाना वे डेरा मोड़ चौक पुलिस चौकी को साथ लेकर ट्रक को हलेना लेकर आई। थाने पर ट्रक की तलाशी ली, जिसमें 29 कट्टों में डोडा पोस्ट भरा हुआ मिला है। और 3 जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ में कुछ जानकारी मिली है क्या? और ऐसे ट्रक हो सकते हैं जिनमें चावल की आड़ में इस तरीके से डोडा पोस्ट की सप्लाई राजस्थान में की जा रही है? बिल्कुल, उन्होंने अभी जो पूछताछ है वो लेकर जा रहे हैं। उनको जो एनसीबी की जो टीम है, अपने साथ जो आरोपी हैं, 3 गाड़ी में डिजायर गाड़ी में सवार थे, 3 ट्रक में सवार थे, उन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 लोगों को लेकर के जो टीम है वो जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जोधपुर आज इस मामले को लेकर के जोधपुर एनसीबी की जो टीम है वो बड़ा खुलासा करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस की तरफ से अब क्या सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है? जो दूसरे राज्यों से ट्रक आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, उनकी जाँच की जा रही है? ऐसा नहीं है कि जो यहाँ की जो पुलिस है उसको इस मामले से अनजान हो। पुलिस को जब सूचना दी जाती है, बड़े पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर भी एक सवाल निशान खड़ा होता है कि जोधपुर के अधिकारी भरतपुर पुलिस को या भरतपुर एसपी को सूचना दे देंगे आप क्या इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ उसके बाद में जब पुलिस हरकत में आती है और तब कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भरतपुर है जो अब जो ड्रग तस्करी का नया रूट बन चुका है, भरतपुर नशे की जो तस्करी के जो नए रूट उभर के सामने आए हैं, उड़ीसा से यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक गांजे, अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी होती है। नारकोटिक्स ब्यूरो और खुफिया निदेशालय टीम ने हाल में ही भरतपुर जिले में गांजे की बड़ी खेप भी पकड़ी थी। जगीना गांव में 458 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जो बरामद गांजा था उसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। तो मतलब पुलिस को इस चीज की जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सक्रियता पुलिस उतनी नहीं दिखा पा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। जब मुखबिर से सूचना मिलती है या दूसरे थानों से जानकारी आती है तभी पुलिस कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरे ट्रकों को पकड़ा है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।